पुलिस को चकमा देकर भागे चरस तस्कर नेपाली युवक को मनाली के जगत सुख में कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया है। आरोपी को सदर पुलिस ने 2.25 किलो चरस के साथ 10 फरवरी की रात्रि को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को दबोचने मनाली गई पुलिस से हाथ छुड़वाकर शातिर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। इस घटना के बाद मंडी पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया था। मंडी पुलिस ने कुल्लू पुलिस को भी घटना के बारे में सूचित किया था। पुलिस की चौकसी के चलते ही आरोपी मनाली से बाहर नहीं निकल पाया था। लगातार मंडी पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। नाकाबंदी कर भी आरोपी का सुराग लगाया जा रहा था। सोमवार सुबह एएसआई तेज सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना सदर की टीम ने आरोपी को नागनी नाला नजदीक जगत सुख मनाली में जंगल की तरफ भागते हुए दबोचा, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर सदर थाना ला रही है। इस बारे में एएसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्त से भागे शातिर को दबोच लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। एक नेपाली व्यक्ति जिसका नाम आसमान सिंह है, जो कि पुलिस ने नारकोटिक्स के केस में सदर में अरेस्ट किया था। 12 तारीख को पुलिस की टीम उसको मनाली लेकर गई थी और मनाली से वो पुलिस की टीम से भाग गया था। आज सुबह उसको पुलिस स्टेशन सदर की टीम ने नागनी नाला में उसको दोबारा से पकड़ लिया है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस की टीम उसको मनाली से लेकर मंडी आ रही है। उसके खिलाफ जो है मनाली थाना में भी केस दर्ज हुआ है और अभी यहाँ पे उसको जो है उसके खिलाफ जो भी अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। होल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।